ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में अपना आशियाना बनाने वाले लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए यमुना अथॉरिटी एक योजना लेकर आई थी। जुलाई में यमुना अथॉरिटी के 300 से ज्यादा प्लॉट्स के लिए आवेदन मांगे थे। इस स्कीम में करीब 2,00,000 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक स्कीम में इतने सारे आवेदन अथॉरिटी को मिले हो। इस स्कीम के लिए अब अथॉरिटी तय तारीख को ड्रॉ निकालने जा रही है। ड्रॉ की ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखने के लिए अथॉरिटी ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को भी बुलाया है। चलिए जानते हैं किस तारीख को खुलेगा 300 से ज्यादा लोगों के भाग्य, कहां, कब, कैसे निकाला जाएगा ड्रॉ। अगर आपने यमुना अथॉरिटी की जुलाई में जारी स्कीम में आवेदन किया है तो इस वीडियो में बने रहें। हम इस पूरी खबर में आपको पूरी अपडेट देने जा रहे हैं। ये जानने से पहले एक बार इस प्लॉट स्कीम को भी समझ लेते हैं। 5 जुलाई को यमुना अथॉरिटी ने एक आवासीय स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 अगस्त रखी गई थी। इस स्कीम में करीब 2,02,822 ने आवेदन किया। अब आगामी 10 अक्टूबर को ड्रॉ के माध्यम से प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। इस आवासीय स्कीम में 361 प्लॉट हैं। हैरानी की बात यह है कि इन 361 प्लॉट को लेने के लिए करीब 2,00,000 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि इतना पैसा अथॉरिटी को रजिस्ट्रेशन में नहीं मिलता जितना आवेदन करने में मिल गया। गुजरात में चूंकि बहुत एप्लीकेशन आए हैं तो इसको बड़े पैमाने पे कराने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, और एक्सपो मार्ट में जो है इसका इस बार आयोजित किया जाएगा, जिससे कि जितने भी एप्लीकेंट चाहे आ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं, चाहे 100% लोग आना चाहे तो आ जाएं। 10 अक्टूबर को होने वाले इस ड्रॉ में पूरी पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इस आयोजन के लिए ग्रेटर नोएडा के स्मार्ट एक्सपो मार्ट को चुना गया है। ये ड्रॉ हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में निकाला जाएगा। ड्रॉ की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए खास प्रबंध किए जा रहे हैं। ड्रॉ में ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए एक बड़ा ट्रांसपेरेंट बॉक्स तैयार किया गया है, जिससे लॉटरी की पर्चियों को निकाला जाएगा। इस ड्रॉ में स्कूल के छोटे बच्चों को भी शामिल किया जाएगा जो लॉटरी की पर्चियां निकालेंगे। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और 2 भारत सरकार के सचिव स्तर के रिटायर्ड IAS अधिकारी इसमें ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, और साथ ही साथ भारत दूरदर्शन से अनुरोध किया गया है कि वो इसका लाइव टेलीकास्ट कराए। अभी उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हमारा अनुरोध लगातार चल रहा है। ड्रॉ के आयोजन को भव्य बनाने के लिए यमुना अथॉरिटी ने कई खास तैयारियां की हैं। जिन लोगों ने इस स्कीम में अप्लाई किया है उनको व उनके परिवारों के लिए बैठने के उचित इंतजाम किए गए हैं। हालांकि जिन लोगों ने अप्लाई किया है सभी के सभी लोगों को ड्रॉ स्थलों पर जाने की जरूरत नहीं है। अथॉरिटी ने इस ड्रॉ का सीधा प्रसारण कई टीवी चैनलों पर करने का फैसला किया है, जिससे आवेदक अपने घर बैठे ही परिणाम देख सके। ड्रॉ की पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए एक्सपो मार्ट में एक रिटायर्ड जज की देखरेख में ये प्रतिक्रिया संपन्न होगी। इसके साथ ही सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। 10 अक्टूबर को निकाले जाने वाले इस ड्रॉ के बाद 300 से ज्यादा लोगों का जीवन बदल जाएगा और वो यमुना क्षेत्र में अपने सपनों के घर की शुरुआत कर सकेंगे। अब ये देखना होगा कि अथॉरिटी कैसे इस ड्रॉ को पारदर्शी बनाती है। आपको कैसी लगी ये खबर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी नोएडा से जुड़ी हर खबर के लिए फॉलो करें हमारा चैनल आज का नोएडा।